आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। ये मैंने छील के धो के और कस के ले ली है। और अब हम रखेंगे फ्राइंग पैन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। ये मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है और आंच को रखेंगे मीडियम और इसमें डालेंगे गाजर और ये मीडियम आंच में ही पकाएंगे पानी सूखने तक। ये अभी पानी छोड़ देगी। ये 1 किलो गाजर है, इसको थोड़ा सा पक जाने देते हैं और आंच को मीडियम रखते हैं। गाजर को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। पानी इसका सूख गया है थोड़ा। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी। गाजर 1 किलो है तो चीनी हम डाल रहे हैं इसमें 200 ग्राम। और इसको चला लेते हैं एक बार। अभी ये चीनी फिर पानी छोड़ेगी और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। थोड़ा चला लेते हैं और अब मैं इसमें लगा रही हूँ ढक्कन। बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिससे जले ना वो। इसको खोल के देखते हैं कैसा हो गया है। पानी इसका सूख गया है। पहले हमने 5 मिनट रखा था, उसके बाद चीनी डाल के 15 मिनट रखा इसको पकने के लिए। और चीनी वाला पानी, जो चीनी में छोड़ा था पानी, वो सूख गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी मलाई। ये ताज़ी मलाई है और इसको चला लेते हैं और इसको मलाई के साथ थोड़ा पकने देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम हलवे को चेक कर लेते हैं कि इसने घी छोड़ दिया है। और अब मैं थोड़ा तेज़ आंच कर दूंगी और 1 मिनट इसको ऐसे ही भून लूंगी। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब छोटी इलायची। मैंने बादाम को चॉप कर लिया था, वो डाल देती हूँ। थोड़े से काजू मैंने चॉप करे थे। इसको चला लेती हूँ। अभी आंच मैंने तेज़ी रखी है। ये हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। और अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।